Assalamu alaikum. My name is Dilip Kumar, working as a lecturer in chemistry from Government Degree College Diplo. Today, I want to deliver my lecture from first year chemistry, chapter number 6, heading of this chapter, Chemical Equilibrium. So, chemical equilibrium ko samjhne ke liye, first of all, hume jo hai, केमिकल रिएक्शन के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए आया कि केमिकल रिएक्शन क्या है। हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। सो एक सिंपल डेफिनेशन है केमिकल रिएक्शन की, प्री एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। या हम कह सकते हैं During any chemical change, composition of substance is changed, is not chemical reaction. Nature में जितने भी chemical changes हो रही हैं, उसमें जितने भी substances या chemical compounds जो involved हो रहे हैं, उनकी composition जो है वो change होनी चाहिए। Composition change हो रही है, तो उसी जो है natural process को हम क्या कहेंगे, chemical reaction। देखो यहां हमने केमिकल रिएक्शन को क्लासिफाइड कर दिया है, डिवाइड कर दिया है टाइप्स के अंदर। हमने क्यों इसको डिवाइड किया है टाइप्स में? सो रीजन इज दैट बिकॉज इन नेचर ऑल केमिकल रिएक्शन डू नॉट प्रोसीड टू सेम एक्सटेंट। सम रिएक्शन नेवर गो टू कंप्लीशन, but some chemical reactions are going to completion in one direction. So we can say that on the basis of completion, on the basis of extent, chemical reactions are divided into two parts, irreversible and second are reversible reaction. Two types of chemical reaction. So first of all, we should discuss about irreversible reaction. What is irreversible reaction? By definition, irreversible reactions are those chemical reactions which are completely converted into product. Means their reactants are completely converted into product and reaction will stop. Or we can say that irreversible reactions are those chemical reaction which goes to completion in one direction after certain interval. Reactants are completely converted into product and reaction are stopped. Reaction is stopped. So irreversible reaction ka agar hum general iska kuch examples lete hain, suppose hamare paas A plus B एक रिएक्टेंट है, ए प्लस बी जो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो रहे हैं सी प्लस डी में। अच्छा, लेफ्ट साइड पे हम क्या लेते हैं, रिएक्टेंट्स लेते हैं, रिएक्टेंट्स और ये प्रोडक्ट हो गई। कॉमन पॉइंट इज दैट इरिवर्सिबल रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल हेडेड एरो। रिएक्टेंट की जितनी भी कंसंट्रेशन होगी वो कंज्यूम हो जाएगी इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा, रिएक्शन जो है स्टॉप हो जाएगा, रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं करेगा, वन डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड करेगा। जितना भी इसका अमाउंट होगा रिएक्टेंट का, जितनी भी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की होगी, टोटली कंज्यूम हो जाएगी इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, हेंस रिएक्शन विल स्टॉप, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। इसी को हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, जो रिप्रेजेंट हम करते हैं सिंगल हेडेड एरो से। ठीक है, सिंगल हेडेड एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, यहां देखें कि अगर एग्जांपल्स दूसरे एग्जांपल्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पोटेशियम क्लोरेट जो एक सॉलिड सब्सटेंस है, कंपाउंड है, ये वो कंपाउंड है, अगर हम इसको थोड़ा हीट देंगे, इफ वी सप्लाई द हीट, then it decomposes into potassium chlorate and 3 moles of oxygen, 2 moles हम balance करेंगे, 2 moles of potassium chlorate, 3O2, 3 moles of oxygen। यह हमने जो है इसको temperature दिया है।
देखिए ये रिएक्शन जो है, रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट. एक सिंगल कंपाउंड था, एक सिंगल कंपाउंड है जो प्रेजेंस ऑफ हीट में डीकम्पोज हो रहा है सिंपलर सबस्टेंस पे. हम इसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं. ये रिएक्शन एग्जाम्पल्स है इरिवर्सिबल रिएक्शन का. अच्छा, अगर हमारे पास रिएक्शन दूसरा हम लेते हैं, सपोज हमारे पास एक जो है सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड प्लस हम इसमें ऐड करें सिल्वर नाइट्रेट की सॉल्यूशन को, मतलब हम एक्वास में ले रहे हैं सोडियम क्लोराइड की सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट की सॉल्यूशन. When these two substances are reacting with each other, then what they form? They form silver chloride plus sodium nitrate. तो हम यहां देखते हैं इस रिएक्शन के अंदर जो AgCl बन रहा है, सिल्वर क्लोराइड बन रहा है, वो precipitate फॉर्म में बन रहा है, PPT बना रहा है, precipitation फॉर्म में बन रहा है. अगर प्रेसिपिटेट बन रहे हैं तो हम कह सकते हैं ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का स्टाइल है. तो इसमें क्या हुआ, हम इसको जो है एक्वास में लेते हैं, हम लिखते हैं एक्वास सॉल्यूशन फॉर्म में ये रिएक्शन हो रहा है. ठीक, अभी आप देखिए ये जो रिएक्शन है, जितना भी रिएक्टेंट था वो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया है प्रोडक्ट फॉर्मेशन पे, प्रोडक्ट बन गई है. अभी ये रिएक्शन वापस बैकवर्ड रिएक्शन में नहीं जाएगा. Means ये products जो again once again product जो वो वापस reactant में ही convert नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? Reason ये है, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो compound है, ये compound ionic है. It means it made up of ions, positive, negative. So product side में जो AgCl है, silver chloride जो बना है, इसकी lattice energy जो है, वो क्या होगी? Lattice energy greater होगी. भाई किससे ग्रेटर होगी? देन सोडियम क्लोराइड. सो इसकी लैटाइस एनर्जी ज्यादा है तो इसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयंस है, मींस जो पार्टिकल्स है, वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे और ये फर्दर डीकम्पोज नहीं होंगे, वापस जो है वो रिएक्टेंट नहीं बनेंगे. रीजन इज दैट द इनकी लैटाइस एनर्जी जो है वो ज्यादा है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल से. सो जितने भी इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट जो है वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में, रिएक्शन जो है वो क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, अगर हम जो है एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन करवाते हैं, साल्ट और वाटर बनता है, वो भी एक टाइप है इरिवर्सिबल रिएक्शन का. ठीक है, तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन जो हम इसको सिंगल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं. सेकंड जो स्टाइल है वो है रिवर्सिबल रिएक्शन. रिवर्सिबल रिएक्शन हम किसको कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शंस आर दोज केमिकल रिएक्शंस, इट मींस व्हिच नेवर गो टू कंप्लीशन. रिवर्सिबल रिएक्शंस में क्या होता है, रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, रिएक्टिंग सबस्टेंसेस आर रिएक्टिंग विद ईच अदर, देन दे फॉर्म प्रोडक्ट. वंस अगेन प्रोडक्ट सबस्टेंसेस आर रिएक्टिंग विद ईच अदर, देन वंस अगेन दे फॉर्म रिएक्टेंट. सो इरिवर्सिबल रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस व्हिच आर प्रोसीड इन टू डायरेक्शन. रिवर्सिबल रिएक्शन आर दोज रिएक्शन व्हिच आर प्रोसीड इन टू डायरेक्शन. टू डायरेक्शन मींस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन. ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी होते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन भी होते हैं. एंड रिएक्शन कभी कभी ये कंप्लीट नहीं होते हैं, ये रिएक्शन जो है होते रहते हैं, मगर कंडीशन इज दैट रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो हम हमेशा जो है क्लोज कंटेनर में लेते हैं. दूसरी कॉमन पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रिवर्सिबल रिएक्शन का जो डायरेक्शन है, क्योंकि दो डायरेक्शन है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन या रिवर्स डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे. अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो रिएक्शन ऑफ डायरेक्शन गोज ऑन प्रोडक्ट साइड, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो रिएक्शन जो है गोज टू रिएक्टेंट साइड. सो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, उस पे डिपेंड करता है. रिवर्सिबल रिएक्शंस में हम रिएक्शन का टेक्स प्लेस इन टू डायरेक्शन, तो ये रिएक्शन कभी जो है वो कंप्लीट नहीं होते,
अच्छा अभी आप देखिए जनरल हम कंसीडर करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन ए प्लस बी हाइपोथेटिकली हमने एक एग्जांपल लिया है हमारे पास ए बी रिएक्टेंट बी रिएक्टेंट बोथ आर द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस जब ये दोनों सब्सटेंसेस आपस में रिएक्शन करते हैं इट मींस जब इनकी हमें पता है कि ए और बी की इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो मैक्सिमम है ग्रेटर ज्यादा है कंसंट्रेशन ज्यादा होगी जब रिएक्शन इनिशिएट होगा तो इनकी कंसंट्रेशन कहां शिफ्ट होगी इनकी कंसंट्रेशन शिफ्ट होगी इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं सी प्लस डी ये प्रोडक्ट बन रहा है ठीक है जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बनेगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा रिएक्शन वंस अगेन कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी आर शिफ्ट टूवर्ड्स ऑन द साइड ऑफ रिएक्टेंट सी और डी की कंसंट्रेशन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी रिएक्शन कहां शिफ्ट होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में सो डायरेक्शन का शिफ्टिंग हो रही है बैकवर्ड पे तो डिपेंड किस पे करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रिएक्शन यहां शिफ्ट हो रहा है फॉरवर्ड पे डायरेक्शन यहां फॉरवर्ड में आ रहा है डिपेंड किस पे कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे ठीक तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन भी रिवर्सिबल रिएक्शन में आप देखें अगर रिएक्शन बैकवर्ड में जा रहा है तो हम क्या करते हैं इसका एरो लगा देते हैं तो हमें पता होना चाहिए रिवर्सिबल रिएक्शन जो है आर रिवर्सिबल रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल हेडेड एरो डबल हेडेड एरो मींस दोनों डायरेक्शन शो करता है फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन मगर एक बात इंपॉर्टेंट यह है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में कुछ टाइम के बाद यह रिएक्शन खुद जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट को सेटअप कर लेगा वो इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होगी डायनामिक होगी क्या होगी डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट होगी ठीक है देख अगर हम उसके एग्जांपल्स लेते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास वन मोल ऑफ हाइड्रोजन है वन मोल ऑफ आयोडीन्स टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बन गए ये एक रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन का स्टाइल है सपोज वी हैव सल्फर डाइऑक्साइड वन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू मोल्स ऑफ SO3 विल फॉर्म ये भी एक स्टाइल है रिवर्सिबल रिएक्शन का बाय हेबर प्रोसेस में हमारे पास वन मोल ऑफ नाइट्रोजन है थ्री मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है देन दे व्हाट विल फॉर्म टू मोल्स ऑफ अमोनिया तो हमारे पास जितने भी स्टाइल्स हैं रिवर्सिबल रिएक्शन पे जितने भी स्टाइल्स हैं उसको हम रिप्रेजेंट कहां कर रहे हैं डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरी बात ये जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शन है मोस्टली हम कह सकते हैं जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शन को शोज करते हैं और जितने भी आयोनिक है मोस्टली हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड जो है वो क्या करते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन शो करते हैं ठीक है तो यहां आप देखें हमने जो यहां डिस्कस किया है वो टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमने डिस्कस किया है टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो हमने डिस्कस किया है इसको हमने क्लासिफाइड किया है वो सिर्फ किस बुनियाद पे हमने क्लासिफाइड किया है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन क्योंकि नेचर में जितने भी रिएक्शन वो है हो रहे हैं वो सब एक जैसे नहीं हो रहे हैं कुछ ऐसे रिएक्शन हैं वो जल्दी हो जाते हैं फास्ट हो जाते हैं और वन डायरेक्शन में हो जाते हैं उनको कुछ ऐसे रिएक्शन हैं स्लो होते हैं कुछ ऐसे रिएक्शन हैं टू डायरेक्शन में होते हैं जैसे हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है मगर कुछ टाइम के बाद रिवर्सिबल रिएक्शन में एक नया फंडामेंटल कैरेक्टर जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट सेटअप हो जाता है तो रिवर्सिबल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो एक फंडामेंटल कैरेक्टर है ठीक तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को हमने क्लासिफाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन नेक्स्ट हम जो यहाँ टॉपिक हमारा है केमिकल इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम को हमने जो है फर्दर क्लासिफाइड किया है या डिवाइड किया है हमारे पास टू टाइप्स के केमिकल इक्विलिब्रियम होते हैं एक होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम एक होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम ठीक है दूसरा है हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम अच्छा फिजिकल इक्विलिब्रियम हम उसको कहते हैं ऐसे रिएक्शन
जिसमें सब्सटेंसेस की कंपोजिशन जो वो चेंज नहीं होनी चाहिए, केमिकल कंपोजिशन डू नॉट चेंज। ऐसे रिएक्शन, ऐसी चेंजेस मैटर के अंदर जिसमें कंपोजिशन चेंज नहीं होनी चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक बेटा, सो फिजिकल इक्विलिब्रियम का हम एग्जांपल्स लेते हैं तो आप देख ले, यहां हमारे पास काफी ऐसे रिएक्शन होते हैं जैसे हमारे पास देखें, सपोज वी हैव लिक्विड, वी हैव लिक्विड, लिक्विड चेंज इनटू वेपर्स, लिक्विड जो वो चेंज हो रहा है वेपर्स में और वेपर्स चेंज हो रहा है लिक्विड्स में। दिस प्रोसेस इज नोन एज इवापोरेशन। अच्छा, यहां देखें हमारे पास जो इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ है वो किसने हुआ है? इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। ये हमारे पास कॉमन जो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं, लिक्विड्स जब हम लिक्विड को हीटअप करते हैं ओपन कंटेनर में तो सिर्फ इवापोरेशन होता है, अगर हम किसी क्लोज कंटेनर में अगर हम लिक्विड को हीट करते हैं तो दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन, दोनों प्रोसेस होते रहते हैं पर वो उनके बीच में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट होगा। ठीक है, अगर हम फिजिकल इक्विलिब्रियम का दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास सॉलिड है सब्सटेंसेस वो चेंज हो रहा है इसमें लिक्विड में और लिक्विड दोबारा चेंज हो रहा है सॉलिड स्टेट में, ये भी एक फिजिकल इक्विलिब्रियम है। सॉलिड चेंज हो रहा है लिक्विड में, लिक्विड दोबारा चेंज हो रहा है सॉलिड में, दोनों स्टेट के बीच में एक इक्विलिब्रियम सेटअप है, उसको हम कहते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, अभी आप देखिए फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के बीच में एक इक्विलिब्रियम सेटअप होता है, वो एक फिजिकल इक्विलिब्रियम है। दूसरा हमारे पास कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं वो डायरेक्टली चेंज हो जाते हैं वेपर्स में, सम सॉलिड्स आर डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर, दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। वही वेपर्स वापस जो है वो डायरेक्टली चेंज हो जाते हैं सॉलिड स्टेट में विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। तो यहां देखें हमारे पास क्या हुआ, दिस प्रोसेस मींस सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन, इक्विलिब्रियम सेटअप बिटवीन सॉलिड्स एंड वेपर्स। तो ये एक फिजिकल इक्विलिब्रियम का टाइप है, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। केमिकल जो इक्विलिब्रियम होती है वो क्या होती है, जैसे हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें क्या होता है, कंपोजिशन जो है सब्सटेंसेस की, मटेरियल थिंग्स की, केमिकल कंपाउंड्स की, वो चेंज होती है। जैसे ये हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम का टाइप है, हाइड्रोजन आयोडीन, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो यह क्या होता है, कंपोजिशन चेंज होती है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम के टाइप्स हैं। ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है, फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, कभी भी कंपोजिशन चेंज नहीं होती है। सो हमारे पास टू टाइप्स रिएक्शन होते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शन में जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट होता है। क्यों डायनामिक होता है, डायनामिक वर्ड मींस मोशन, क्यों होता है, क्योंकि इनकी जो कंसंट्रेशन है पार्टिकल्स जो है वो मूव करते रहते हैं रिएक्शन के अंदर और ये डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट होता है। अगर हम इरिवर्सिबल रिएक्शन में आते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन जो वन वे रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट्स जो है कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में और वो जो इक्विलिब्रियम होगी वो क्या होगी, स्टैटिक होगी। स्टैटिक वर्ड की मीनिंग ये है, ये मीनिंग ये है कि स्टॉप हो जाना। जैसे आप देखें इरिवर्सिबल रिएक्शन में जब रिएक्टेंट्स कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में तो रिएक्शन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन में। रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा हम क्लोज कंटेनर में लेते हैं, कंटेनर क्लोज होना चाहिए। इरिवर्सिबल रिएक्शन में मे बी क्लोज मे नॉट बी क्लोज, ओपन कंटेनर भी हो सकता है एंड क्लोज कंटेनर भी हो सकता है।
Reversible reaction takes place in a two direction, forward as well as backward direction, and direction of reaction depend on the concentration of substances. अगर reaction forward में जा रहा है तो reactant की concentration पे depend करेगा, अगर reaction backward में आ रहा है तो product की concentration पे depend करेगा. या अगर irreversible में हम आते हैं, irreversible reaction के अंदर जो कंसंट्रेशन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन हमेशा डिपेंड करेगा, डिपेंड किस पे करेगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि वो रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में उनको कंप्लीट होना है, रिएक्शन को एक ही डायरेक्शन में कंप्लीट होना है, तो वो सिर्फ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा. रिवर्सिबल रिएक्शन में डायनामिक या हमारे पास स्टेटिक इक्विलिब्रियम स्टेट है. सो नेक्स्ट टाइम्स वी विल डिस्कस इक्विलिब्रियम स्टेट आर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, या हम उसको केमिकल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं. इट्स ओके नाउ.